ठीक है। लास्ट क्लास में थे आप, है ना? आप भी थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में थे आप। स्ट्राइड स्कीम क्या है, याद है? स्ट्राइड स्कीम, स्ट्राइड नहीं याद है? रिवीजन नहीं किया? जाते ही रिवीजन करो शाम को क्लास की, ठीक है? देखिए नोटबुक में क्या लिखा है, स्ट्राइड स्कीम। आगे आ जाइए, दिक्कत है पीछे तो। फटाफट रिवीजन करते हैं, बताइए स्ट्राइड स्कीम क्या है। यूजीसी ने लॉन्च किया है, कौन सा कार्यक्रम है ये, क्या है इसमें, क्या लॉन्च किया है? बिल्कुल, वेरी गुड। फिर हमने डिस्कस किया था सोवरिन बॉन्ड स्कीम, याद है? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च किया था हम लोग, डिस्कस किया था। उसका क्या पर्पस है गवर्नमेंट का? हाँ, जो भौतिक डिमांड है, जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड है इंडिया में, उसमें रिडक्शन लाना, ये मेन मकसद था, ठीक है? उसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत सफल भी हुई है, क्योंकि जो गोल्ड का डिमांड है वो कम हुआ है, ठीक है? क्यों ऐसा करना था, आपको मैंने बताया था कि ऐसा क्यों गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट गोल्ड का डिमांड जो है उसको क्यों रिड्यूस करना चाहती है, क्या पर्पस है? आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो मेन पर्पस है वो ये है कि हमारा जो डॉलर बाहर जा रहा है उसमें कमी लाना है, क्योंकि डॉलर जब बाहर जाता है तो क्या होता है, रुपया का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। जब रुपये की वैल्यू डिक्रीज करती है तो क्या होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन पर इसका प्रभाव पड़ता है। ओवरऑल मैंने आपको 2-4 इंडेक्स आज तक बताया है, वो इंडेक्स पे इसका प्रभाव पड़ता है। जो ग्लोबल इंडेक्स, वैश्विक सूचकांक होते हैं, उस पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? हाँ यार, आवाज का क्या कर सकते हैं, नहीं फिर ऑनलाइन नहीं जाएगा ना, फिर ऑनलाइन आवाज नहीं पहुंच पाएगा। अब क्या बताओ, वो थर्ड फ्लोर वॉज गुड, वो फर्स्ट फ्लोर पे जो क्लास था वो अच्छा था, लेकिन उन्होंने यहाँ कर दिया। चलो कोई नहीं, आप ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, ठीक है? ऑपरेशन सुदर्शन डिस्कस किया था हमने, क्या था वो? आप नहीं आए थे क्लास में। आपने वीडियो देखा ऑनलाइन, ऑनलाइन वीडियो देखा आपने? देखो अगर क्लास में नहीं भी आते हो आप तो ऑनलाइन जो वीडियोस है उसके देख के नोट्स बना लो आप, ठीक है? नोट्स बना लोगे तो आपका एक सीक्वेंस है, क्योंकि मैंने जो मैं करंट करा रहा हूँ वो बीच में मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। अब ये एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है ना, आप लोग को कोई फ्रेंड दिया होगा और जो यहाँ क्लास अटेंड कर रहा होगा उनसे पूछिएगा, ऑलमोस्ट सारे करंट के क्वेश्चन अपने क्लास से आए हैं, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशन सुदर्शन मैंने बताया था। बी, हाँ बताइए। बीएसएफ ने लॉन्च किया है। इन्फिल्ट्रेशन जो होता है पाकिस्तान की तरफ से, जो आतंकवादी आते हैं उनको रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था बीएसएफ के द्वारा, ऑपरेशन सुदर्शन, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, पाकिस्तान नहीं मान रहा है ना, वो नहीं मानेगा, वो समझ रहे हैं आप? हाँ, वो कुछ लोगों को ऐसे ही ट्रीट किया जा सकता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि इस लोग जो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, वही हालत है पाकिस्तान का, बिल्कुल। फिर हमने डिस्कस किया था जल शक्ति अभियान, ठीक है? जल शक्ति अभियान में आपको इम्पोर्टेंट ये है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, याद है आपको? 256 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जल शक्ति अभियान के अंतर्गत, ठीक है? ये 256 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? ये वैसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की समस्याएं हैं, या तो यहाँ का पानी गंदा है या यहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है? 250 डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किया। फिर हमने गरुडा 6 एक्सरसाइज डिस्कस किया था, गरुडा 6 याद है? इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज होता है और ये एक तरह का एयर एक्सरसाइज है, ठीक है? वहीं पे हमने 2 और डिस्कस किया था। एक किया था वरुणा, याद है वरुणा। 3 एक्सरसाइज होते हैं भारत और फ्रांस के बीच में। गरुदा 6 जो है वो एयर का एक्सरसाइज है, वरुणा जो है वो नेवी का एक्सरसाइज है, और शक्ति वो आर्मी का एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में है, दूसरा याद रखना है कि कौन सा आर्मी का है, कौन सा नेवी का है और कौन सा एयरफोर्स का है। ठीक है, फिर मैंने आपको नासा का ड्रैगनफ्लाई स्पेसक्राफ्ट बताया था। एग्जैक्टली बताया था, क्या है बताइए ड्रैगनफ्लाई स्पेसक्राफ्ट। आप ये मुझे बताइए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट ड्रैगनफ्लाई का। टाइटन क्या है, नासा का ड्रैगनफ्लाई स्पेसक्राफ्ट है। ड्रैगनफ्लाई वो टाइटन के लिए है, ठीक है, टाइटन के लिए। टाइटन क्या है, व्हाट इज टाइटन। नहीं सैटेलाइट नहीं है। आप देखिए नोट्स में क्या बताया था मैंने आपको, ये उपग्रह है एक टाइटन। ठीक है, किसका उपग्रह है ये, सैटर्न का, शनि का। वेरी गुड। ठीक है, एक रिपोर्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वर्किंग ऑन ए वार्मर प्लानिट। ठीक है, गर्म ग्रह पे काम करना। ये रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, वर्किंग ऑन अ वार्मर प्लानिट, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारे रिपोर्ट्स याद करने हैं। मैं हर एक क्लास में जो रिपोर्ट आपको बताऊंगा, आप एक काम करना, A4 साइड पे पेपर लेना और 1-2 करके लिखना और इधर ऑर्गेनाइजेशन लिखना। ठीक है, और कंटिन्यूसली उसका आप रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स इज 1 मार्क्स। वो अगर नहीं मिलेंगे आपको तो 1 मार्क्स ही काउंट होगा, वो टफ क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो। ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हेल्ली पासपोर्ट इंडेक्स। क्या रैंकिंग है इंडिया की उसमें, हेल्ली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग क्या है इंडिया की, 86। वेरी गुड। नंबर 1 पे कौन है और क्या क्राइटेरिया है किसी को रैंक 1 और किसी को रैंक नीचे देने का, क्राइटेरिया क्या है। मैंने आपको बताया था क्या क्राइटेरिया है, बताइए, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू रैंक ऑल द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पासपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि केवल एक बेसिस है कि कितने हमारे दूसरे कंट्री हमारे लोगों को वीज़ा फ्री एंट्री करते हैं। आप जानते हैं अगर आपको दूसरे कंट्री में जाना होता है तो आपको वीज़ा लगता है, एक आपको पासपोर्ट लगता है, दूसरा आपको वीज़ा लगता है। लेकिन जिस देश के नागरिक अच्छे हैं, शांत विचारधारा के हैं, उनको दूसरे कंट्री फ्री में एंट्री देते हैं। जैसे जापानीज लोग शांत विचारधारा के हैं, उग्रवादी मानसिकता के नहीं है। ठीक है, तो उनकी रैंकिंग 1 है। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज उनको ऑन अराइवल वीजा का भी फैसिलिटी देती है। ठीक है, और हमने एक डिस्कस किया था, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। एक डिस्कस किया था हमने कि लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल, याद है, सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कितने रेलवे जोन्स है इंडिया में, 18 है। ठीक है, अब आपको इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो इलेक्ट्रीफाइड टनल बना है वो किस जोन ने बनाया है। हाँ एग्जैक्टली, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में बना है। ठीक है, चलिए लिखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, न्यू टॉपिक। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, टुडे इज फ्रेंडशिप डे, सो आई विश यू अ वेरी हैंडसम फ्रेंडशिप डे। और ऑन दिस ओकेजन आई वांट टू टेल यू वन थिंग। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू आर द एवरेज ऑफ 4 पीपल अराउंड यू, राइट। आपके आसपास जो 4 लोग रहते हैं, ठीक है, उसके आप क्या होते हो, एवरेज होते हो। तो बी वेरी सेलेक्टिव कि आप कैसे 4 लोग कौन से हैं। आपका आप स्टूडेंट हो, आपका केवल एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि वो जो अगला बंदा है या वो लड़की है वो पढ़ने में कैसी है या वो कैसा है। ठीक है, ये अगर क्राइटेरिया आपका है तो आपको पढ़ाई का मन नहीं भी करेगा तो आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2013 की बात है, 2 दोस्त थे, दोनों साथ रहते थे, दिल्ली से दूर, दिल्ली में रहते थे, दिल्ली से दूर रहते थे। दोनों दोस्त साथ मिलके आईएएस की तैयारी करते थे। ठीक है, और साथ मेहनत करते थे, अच्छे दोस्त थे दोनों, ठीक है। दोनों पे एक दूसरे का बहुत प्रभाव था क्योंकि दोनों साथ एक ही कमरे में रहते थे। उसी साल इन दोनों दोस्तों का रैंक 33 और 34 आया था। आईएएस में रैंक ऐसा आना इम्पॉसिबल होता, ऑलमोस्ट रैंक ही आना इम्पॉसिबल है, इट्स अ वेरी टफ एग्जाम। और वहाँ पे अगर दो दोस्तों का ऐसा रैंकिंग आ रहा है तो आप समझ सकते हैं ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, इसके पहले एक और दोस्त थे, उनका भी रैंक ऐसा 15 और 16 आया था। तो मेरा बोलने का केवल ये मतलब है कि आपका पर्पस है एग्जाम क्लियर करना, तो आपका मकसद केवल यही होना चाहिए, ठीक है। अब इसको छोड़ के कोई दूसरा मकसद है? अभी देखो आज फ्रेंडशिप डे है, अब देखना बतरा पे क्या होगा, है ना। तो यू विल लूज योर वन डे, है ना, ठीक है। लिखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, हिंदी में भी आप यही लिखेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज जो होते हैं वो ऐसी लिखती है रोमन में। मैं आपको समझाऊंगा, अपने लैंग्वेज में आपको जो अच्छा लगे वो लिखना, जो फैक्ट्स मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है उसको तो आप लिख ही लेना, ठीक है, ओके। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, फिर आपको यह प्रोग्राम अच्छे समझ में आएगा। जब देश आज़ाद हुआ तो मेन जो चैलेंज था हमारे देश के सामने वो क्या था, क्या था बताइए? डेवलपमेंट का चैलेंज था, ठीक है, विकास करना था। सबसे बड़ा चैलेंज था कि विकास के स्तर पे हमारा देश काफ़ी पीछे हो गया था बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, उनके पॉलिसी के कारण। किसी चीज़ को विकास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो अगर आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है तो इसका बेस्ट तरीका क्या ये नहीं होगा कि आप 2-2 घंटे अपने 5 स्लॉट डिवाइड कर लें, 2 घंटे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके और करंट अफेयर्स से पढ़ाई करें। इसी तरह गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर देश का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि डिस्ट्रिक्ट का विकास किया जाए, ठीक है। अगर एक घर में 5 भाई हैं और 5 की अगर आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी तो क्या फैमिली की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर जाएगी? बिल्कुल सुधर जाएगी। तो वो क्या हुआ, ठीक है, ये बांग्लादेश को भी साथ ले लेते हैं, ठीक है, पाकिस्तान तो अपना है ही। तो ये जब डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ इंडिया में तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसको लेके काफी चिंता होने लगी कि भाई ये जो कुछ जिले हैं वो पीछे क्यों रह गए। और इसमें आप देखोगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो कुछ जिले हैं वो ये जिले हैं। यहाँ पे ये जो लाइन मैंने खींचा अभी, इसको रेड कॉरिडोर भी कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं रेड कॉरिडोर से मेरा क्या मतलब है? रेड कॉरिडोर से क्या मतलब है मेरा? देखो, भारत के नक्शे में अगर आप ये चीज देखोगे तो यहां पे झारखंड है, इधर वेस्ट बंगाल, नीचे उड़ीसा, फिर उड़ीसा के बगल में इधर छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये जो लाइन है इसको कहते हैं रेड कॉरिडोर। और आपको पता होगा, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे और ये आप जानते भी होगे कि ये जो लाइन है और ये जो स्टेट्स का मैंने अपनी नाम दिखाया, यहाँ पे नक्सलवाद की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। क्यों समस्या है? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो डेवलप नहीं हो पाए। एक झारखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है उससे ज़्यादा डेवलप गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, गुजरात ज़्यादा डेवलप है। और बिहार के भी कुछ नीचे वाले पार्ट हैं, गया वाला जो एरिया है वो भी नक्सलवाद से ग्रसित है। तो इन डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना। और आप जानते हो कि कितना बड़ा इंटरनल थ्रेट है ये, आंतरिक सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है ये। अमूमन आप देखोगे ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं, ये लोग जो वैसे ऑपरेशन करते रहते हैं, हमारे सुरक्षा जो व्यवस्था है उसके लिए बहुत बड़ी ये समस्या बन चुके हैं। तो गवर्नमेंट को लगा कि पिछले 60 वर्षों में हमने जो भी प्लान चलाया उसके बावजूद भी ये एरिया डेवलप क्यों नहीं रहा, ठीक है। ये रेड कॉरिडोर आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये रेड कॉरिडोर वो एरिया कहलाता है, लाल गलियारा कहते हैं हिंदी में इसको। ये वो गलियारा है जहाँ पे नक्सलवाद की प्रॉब्लम है। झारखंड से लेके आंध्र प्रदेश तेलंगाना तक, ठीक है। ये सारे नक्सलवाद की प्रॉब्लम का है। नक्सलवादी का इतिहास आप जानते हैं, वेस्ट बंगाल में एक जगह है, एक गांव है, एक शहर है, वहां नक्सलवादी इसको कहते हैं, वहीं से नक्सलवाद का विकास हुआ है, ठीक है। नक्सलवादी नाम है उसका, हाँ नक्सलवादी, वहीं से स्टार्ट हुआ नक्सलवाद का, ठीक है। तो थोड़ा सा बुलेट पॉइंट देके आप इसके लाइन में लिखिए, बुलेट पॉइंट्स देके लिखिएगा, लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने, आपको याद नहीं रहेगा जो भी मैं लाइन आपको लिखवा रहा हूं। लिखिए लॉन्च्ड इन जनवरी 2018, लॉन्च्ड इन जनवरी 2018, जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया समझाया, जो बेसिकली जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो विकास से एकदम परे हैं, उनके विकास के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मतलब इसमें क्या किया जाएगा, उन डिस्ट्रिक्ट का जिनका विकास अभी तक नहीं हुआ है उन पे कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट पे नहीं, ठीक है। तो टोटल इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो है 115, जिले हैं इसमें जिनके विकास पे ध्यान दिया जाएगा। इसमें ज्यादातर ये जिले हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, ठीक है। पांच सेक्टर्स है जिस पे ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट पे क्या ध्यान दिया जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या समस्या होती है? स्वास्थ्य की समस्या होती है, आजकल बहुत बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है ना, एग्रीकल्चर की समस्या होती है। लिखिए पहला, पांच सेक्टर में लिखिए ABCDE, क्या बोल रहे हैं इंडिकेटर। देखिए क्या है, ये पांच सेक्टर को बनाया गया, पांच सेक्टर में जैसे एक सेक्टर हम लोग रख लिए स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य के अंतर्गत बहुत सारे चीज आ सकते हैं, जैसे कि महिला स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य। आपको मैंने 2 क्लास पहले एक बीमारी बताई थी, जापानीज इंसेफेलाइटिस, वैसे बीमारी को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये सब इंडिकेटर है, जैसे कि वहां पे जो छोटे बच्चे हैं 5 साल के कम, उनका मृत्यु दर क्या है, ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है। लेकिन ये सब चीज स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे इंडिकेटर्स 49 है। फिर उसके बाद शिक्षा है, एक डिस्ट्रिक्ट के विकास में एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमारी जो नक्सलवाद की प्रॉब्लम है उसके लिए क्या आपको लगता है एजुकेशन एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है? क्योंकि जो ज्यादातर नक्सल्स हैं वो एजुकेटेड नहीं है, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है, उनका माइंड वॉश हो जाता है, वो तैयार हो जाते हैं। आप सोच सकते हो कि एक नक्सल का माइंड इतना वॉश हो जाता है कि वो अपने आप को ब्लो करने के लिए तैयार है, अपने जान पे खेल के मारने को तैयार है। इसी तरह आपका भी माइंड है, अगर आपका माइंड अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव वॉश होगा कि मुझे कुछ टारगेट अचीव करने हैं लाइफ में। लेकिन आप निगेटिव दोस्त के साथ रहोगे तो कहेगा कि भाई चलते हैं फिर से कबीर सिंह देखने, समझ रहे हो, तो कबीर सिंह दिखाने आपको ले जाएगा वो, है ना, कहेगा घर पे जो बुलेट है वो भी ले आ, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि शिक्षा हो, शिक्षा नहीं होगी तो बहुत समस्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन, कृषि और जल संसाधन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, उसके बाद लिखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन देखो आप ध्यान से देखोगे मैंने बात की जो पिछले डिस्ट्रिक्ट है उनको विकास करने की, और सारे पॉइंट आपको लगेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए बहुत जरूरी है फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब लोगों के पास आप जाओगे जो डिस्ट्रिक्ट है जो पिछड़े रह गए हैं उनके पास बैंक का अकाउंट नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने आधार स्कीम चलाई या गवर्नमेंट ने अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो बहुत सारे बैंक में खाते खुलवाए गए, ये सब बहुत अच्छा डेवलपमेंटल स्टेप्स है, ठीक है। और इससे नक्सलवाद की प्रॉब्लम को भी बहुत कंट्रोल किया गया है। एक और लिखिए जो लास्ट है इसमें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 49 इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 5 चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्यों चलाया जा रहा है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो कितने डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है, ठीक है। लिखिए गृह मंत्रालय, नेक्स्ट लाइन में लिखिए गृह मंत्रालय जो नक्सल प्रभावी क्षेत्र हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ होम विल हेल्प इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, ये जो रेड कॉरिडोर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, ठीक है, LWE। क्या बोल रहे हैं? गृह मंत्रालय सहायता करेगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन इस एरिया में अच्छे से हो। मैंने नक्सल वाले इस डिस्ट्रिक्ट का बात बताया, इसका मतलब ये नहीं कि वो नक्सल वाले डिस्ट्रिक्ट है, कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन जो भी नक्सल अफेक्टेड एरिया है वहां पे गृह मंत्रालय हेल्प करेगी, वो नोडल एजेंसी है, ठीक है। इंग्लिश में रिपीट कर दूं, द मिनिस्ट्री ऑफ होम विल असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इन नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। गृह मंत्रालय जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों में इसका क्रियान्वयन अच्छा से हो, इसलिए वो मदद करेगी या उस क्षेत्र में मदद करेगी। क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली इस कॉरिडोर में ना 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। LWE में ना 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे होम मिनिस्ट्री काम करेगी, ठीक है। क्लियर है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, समझ गए? क्या है भारतमाला प्रोजेक्ट? बताइए क्या बोल रहे हैं? क्या बोलिए, क्या है भारतमाला प्रोजेक्ट? एक्सप्रेसवे, ओके। अच्छा एक्सप्रेसवे और हाईवेज में क्या अंतर है? क्या अंतर है एक्सप्रेसवे और हाईवेज में? ओके, और हाईवेज में देखो एक्सप्रेसवे जो होता है ना उसका नाम से चीजों को आप समझ सकते हो। क्या नाम है? एक्सप्रेसवे। मतलब यू आर अलाउड टू स्पीड अप योर व्हीकल, आप तेजी से यहां जा सकते हो, जैसे कि आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ है, ठीक है। हाईवेज क्या होता है? हाईवेज द रोड विच इज ऑन द हाइट, थोड़ा सा और थोड़ा सा हाईवेज का मतलब यह भी होता है कि बड़े से बड़े शहर को जोड़ना, ठीक है। उसके बाद फिर छोटे रोड होते हैं। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है बेसिकली हाईवेज के लिए है, ठीक है। बहुत सारे इसके दूसरे विंग भी हैं, छोटे रोड भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन जनरली ये प्रोजेक्ट जो है वो हाईवेज के लिए, ठीक है। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट। पहला कौन था? सेकेंड लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट, ठीक है। पहला था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज द फर्स्ट हाईवे प्रोजेक्ट एंड द लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट था वो। 1998 में उसका शुभारंभ हुआ था, उस पर काम हुआ था, ठीक है। अभी फिर हम लोग भारतमाला चला रहे हैं। अब ये न्यूज में क्यों था? व्हाट इज द न्यूज? तो अभी इसका जो है फेज वन का क्रियान्वयन हो गया है, ठीक है, फेज वन पे काम चल रहा है और ये पास हो गया है किसके द्वारा? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक। लिखिए फेज वन में के सामने लिखिए 35,000 किलोमीटर रोड का बात किया गया अभी, 35,000 किलोमीटर ऑफ रोड का कंस्ट्रक्शन होगा विथ आउटले ऑफ 5,35,000 करोड़ रुपीज, 5,35,000 करोड़ रुपीज, ठीक है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। फेज वन में देखो कितना पैसा जा रहा है, ठीक है। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इस प्रोजेक्ट को? कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? बताइए कौन इंप्लीमेंट कर सकता है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को? हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो NHAI का काम क्या है? डेवलपमेंट का काम है, डेवलप कर रही है, फिर मेंटेनेंस का काम भी इन्हीं का है और मैनेजमेंट का काम भी इन्हीं का है, ठीक है। NHAI ही तीनों चीज करेगी। आपको कंफ्यूज करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट से कुछ भी दे सकते हैं कि कहां कहां हो रहा है या कौन सा प्रोजेक्ट है। आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अगर आपको स्टेटमेंट आ जाए कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। लिखिए इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, environment pollution, prevention and control authority, ठीक है, EPCA, ठीक है, EPCA। एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। क्या काम है इनका? अच्छा, सबसे पहले तो ये समझिए कि एक बॉडी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये न्यूज में क्यों था? देखो, दिस बॉडी हैज लिमिटेड पावर, इनके पास जो पावर है वो लिमिटेड है, ठीक है। ये जो बॉडी बनाई गई है, जो अथॉरिटी है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाके कि सर दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो व्हीकल है, जो बसेस हैं, वो कम है हमें लगता है, ठीक है। इसके कारण जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ कैसे चलती है दिल्ली में, CNG पे चलती है। तो इनका कहना है कि इसके कारण जो दिल्ली में पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है। अगर आप व्हीकल ज़्यादा लेके आओगे तो लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा? प्राइवेट व्हीकल कम आएगा रोड पे, तो पॉल्यूशन कम होगा। ये कॉन्टेक्स्ट था। इस बॉडी ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि आप खुद इंटरवीन कीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड पावर है। ये अगर दिल्ली गवर्नमेंट को कहोगी तो हो सके दिल्ली गवर्नमेंट ना सुने, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स हैं उनको इंक्रीज किया जाए। तो आप लिख सकते हैं इनका मकसद जो है इन्वायरमेंट को, इस बॉडी का मकसद जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो ये बॉडी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है, मैंडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये जो बॉडी है इसका गठन कैसे हुआ था। अगर उस ऑप्शन में रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, उसके बोलने के बाद किया गया था, तो वो आंसर सही होगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। लिखिए नोटिफाइड इन 1988, दिस बॉडी वाज नोटिफाइड इन 1988 नोटिफाइड मतलब क्या होता है, नोटिस निकालना कि ये बॉडी बन रही है, ठीक है। दिस बॉडी वाज नोटिफाइड इन 1988 बाय इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, बाय इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब गठन हुआ था, ठीक है, 1986। तो हम लोग समझ गए कि इस बॉडी किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में था, ठीक है। नाउ दिस बॉडी हैज वन चेयरमैन प्लस 14 मेंबर्स, वन चेयरमैन प्लस 14 मेंबर्स। ये जो है जीएआरपी, इसको इंप्लीमेंट करता है। जीएआरपी में बताता हूं क्या होता है, ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस फोर्स। ग्रेडेड एक्शन का क्या हुआ, ग्रेड वाइज एक्शन लेना, ठीक है। इस चीज को ये बॉडी इंप्लीमेंट करता है, कहां पे, एनसीआर में। हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो बॉडी है इसकी ऑथोरिटी केवल एनसीआर में है, ठीक है, केवल एनसीआर में है। एनसीआर समझते हैं ना, नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, यहां पर ऑथोरिटी है इसकी। ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस फोर्स में क्या होता है कि अगर इस बॉडी को पता चले कि इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन है वो 2.5 पीएम और 10 पीएम, क्या है ये पीएम, पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर समझते हो आप लोग, जो कण होते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, उस कण का अगर अमाउंट 2.5 माइक्रोन और ये 10 माइक्रोन अगर ये वाला बढ़ता है तो ये बॉडी एक्शन लेने लगती है, ठीक है। इसको लगता है कि अब दिल्ली की जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप लोग भी अगर बाहर जाते होगे तो आप लोगों को फील होता होगा ठंडे के दिनों में, खास करके दिल्ली में, कि सांस नहीं ले पा रहे, दिक्कत होती है। उसका कारण होता है कि ये दोनों का जो मात्रा होता है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। ये दोनों का मात्रा जब बढ़ता है तो ग्रेडेड एक्शन लेती है ये बॉडी, और ग्रेडेड एक्शन के अंदर क्या हो सकता है, ये एडवाइजरी जारी करती है। ये कहती है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल इसका है ऑड इवन प्लान। सुने आप लोग ऑड इवन प्लान, ठीक है, ऑड इवन प्लान। ऑड इवन प्लान, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है दिल्ली में उसको ये बंद करवा देगी। अमूमन दिल्ली में ऐसा होता रहता है, जब ये पॉल्यूशन बढ़ता है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज 1 या 2 हफ्ते के लिए रोक दी जाती है, ठीक है। क्लियर है, समझ गए इस बॉडी का काम क्या है, न्यूज में क्यों थी, समझ गए। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, हिंदी में लिखेंगे समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, संहिता ऐसे लिखेंगे, संहिता, समान नागरिक संहिता। कोड क्या है ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सुना है नाम, सुना है नाम, कभी नहीं सुना है। पॉलिटी की क्लास किया आप लोगों ने, पॉलिटी में एक आपको पढ़ाया गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाया गया होगा पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट 4 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, बताइए मैम, आप बताइए क्या है पार्ट 4, याद कीजिए क्या है, क्या है पार्ट 4। पार्ट 4 है ना, ऐसे लिखते हैं ना पार्ट 4 रोमन लिपि में, हाँ? क्या है, भागचार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं है, पार्ट 4 है एग्जैक्टली, सही बोला आपने, डीपीएसपी, सीज राइट, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे संविधान में अधिकारों को 2 भाग में बांटा गया है, ध्यान से सुनिएगा। एक है आपका पार्ट 3, सही बात है पार्ट 3 है, दूसरा है पार्ट 4। दोनों में जो मूलभूत डिफरेंसेस है वो ये है कि ये जो पार्ट 3 है वो जस्टिसिएबल है और पार्ट 4 जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। अच्छा, इससे आप क्या समझे जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल से, क्या समझ में आ रहा है आपको, समझ आ रहा है ना, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ध्यान से समझिएगा। संविधान के जो पार्ट्स हैं और जो नागरिक अधिकारों की बात की गई है 2 पार्ट में मौन बात की गई है, बाकी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है जहां पे सिटीजन की राइट की बात हुई है, लेकिन ये जो 2 पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 3 जस्टिसेबल है, मतलब पार्ट 3 में जो एक सिटीजन की राइट है अगर उसका उल्लंघन होता है, जैसे कि मैं आपको यहां पर कैद कर लूं, मैं आपको जाने ही ना दूं, तो आप या आपके कोई रिश्तेदार या आपके कोई दोस्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और आप कहोगे कि सर ने मुझे कैद किया हुआ है तो मेरे ऊपर एक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या आर्टिकल है वो, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के लिए 226। आर्टिकल 32 के अंतर्गत यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट कि मुझे कैद कर लिया है, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इस पार्ट का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। इससे इसको कहा गया है डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव मतलब क्या होता है कि मैं आपको कुछ डायरेक्टिव्स दे रहा हूं, आप करो या ना करो इस पर आपको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा काम करो। इसी डायरेक्टिव्स के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सामान्य नागरिक संहिता किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 44 से। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तीनों लिखना है तो लिख लीजिए आप, 44 तो लिखिए, 32 और 226 भी लिख सकते हैं। हमेशा याद रखना है आर्टिकल 32 और 226 को नहीं भूलना है, ठीक है, कभी नहीं भूलना है। आर्टिकल 44 को भी नहीं भूलना है। अच्छा, कानून को दो भागों में बांटा जा सकता है जो ऑफेंस होते हैं, ठीक है, एक सिविल ऑफेंस और एक क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। देखो, क्रिमिनल ऑफेंस की बात करते हैं, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, या इंडिया में रहने वाले किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, अगर आपने किया मर्डर, सपोज कि आपने किया मर्डर, तो आपको क्या होगा? ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत बामुसक्कत सजाए मौत ही सुनाई जाएगी, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ठीक है। ये हो गई क्रिमिनल ऑफेंस की बात। ताजीराते हिंद मैंने बोला फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है आईपीसी, ठीक है, इंडियन पीनल कोड। ये हो गई क्रिमिनल ऑफेंस की बात। अच्छा, जब सिविल ऑफेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि सिविल ऑफेंस होता क्या है, सिविल में कौन कौन से कानून है। तो आप देख सकते हो सिविल में आजकल एक बहुत मुद्दा में रहा है मैरिज का कानून, 3 तलाक, ठीक है, मैरिज, फिर और क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, वेरी गुड। ये 2 बेस्ट एग्जांपल है सिविल ऑफेंस के, ठीक है। जैसे मान लो कि फादर की प्रॉपर्टी है तो बेटे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी या किसको मिलेगी, ये सिविल ऑफेंस के अंदर आता है, सिविल कोड के अंदर आता है, ठीक है। ये हो गया क्रिमिनल कोड। ये जो कानून है ये यूनिफॉर्म है, समझ रहे हो, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से क्या मतलब समझा आपने? सबके लिए बराबर। ये सबके लिए बराबर नहीं है, मुसलमान का कुछ और है, हिंदू का कुछ और है, फारसी और जैन का कुछ और है। इसी को ठीक करने के लिए जब संविधान बना था तो उसमें हमारे संविधान के निर्माताओं ने कहा था कि भाई आर्टिकल 44 में ये चीज डाल दो, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब इसको भी सामान्य करने का आप प्रयास करेंगे। वो क्या था? डीपीएस भी था, डायरेक्टिव्स था, इसको भी सामान्य करने का आप प्रयास करेंगे। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। हमारे यहाँ लॉ कमीशन का गठन होता है, जानते हो आप लोग, वित्त आयोग का लॉ कमीशन। अभी 22वीं लॉ कमीशन गठन होने वाली है। जो बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनको भी मैं कहता हूं, आप बताइए मुझे कि 22वीं जो वित्त आयोग है इसके चेयरमैन कौन है, ठीक है। अब इसको मैं आज नहीं बताऊंगा, आप लोग ऑनलाइन बच्चे कमेंट करेंगे और आप लोग घर जाके चेक करना कौन है 22वीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझाता हूं कि क्यों न्यूज में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 22वीं लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन का क्या मतलब होता है? जो भी कानून है इसका जांच करती है कि वो कानून सही से काम कर रहा है कि नहीं, या उसमें क्या संशोधन हो सकता है। 22वीं लॉ कमीशन का गठन होने वाला है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये जांच करेगी कि ये कैसा काम कर रहा है हमारे देश में, ठीक है। अब आपको एक केस याद होगा, बहुत पुरानी केस है, शाहबानो, नाम सुना है? शाहबानो, शाहबानो जो केस हुआ था, शाहबानो केस आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहबानो केस किस चीज से रिलेटेड है। आपको ये एग्जांपल, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड करना है, ठीक है। शाहबानो केस में क्या हुआ कि इनके पति ने इनको तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, ठीक है। बहुत सारे दूसरे धर्म में ऐसा है कि अगर आप अपने पत्नी को तलाक देते हो तो आपको उनका खर्चा भी देना पड़ेगा, इन्होंने मना कर दिया। शाहबानो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया डिसीजन, इनके पति को कहा कि आप इनको मेंटेनेंस दोगे। लेकिन उस समय इलेक्शन आ रहा था और कांग्रेस पार्टी ने एक नया कानून पास किया और इसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के उसको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस में जीत भी गई थी इलेक्शन। लेकिन इस केस को एक लैंडमार्क माना जाता है, किस दिशा में, किस दिशा में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। पहला ऐसा स्टेप लिया गया था जब लोगों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ मूव कर रही है, पहला ऐसा लैंडमार्क केस था। और अभी आप देखो कि 3 तलाक बिल पास हो गया, ठीक है। तो ये केस भी आपको याद रखना है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी क्यों है, कभी आपने सोचा है क्यों जरूरत है? बिल्कुल, उत्पीड़न होती है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लिए इसलिए भी जरूरी है कि हमारा देश जो है वो क्या है, सेकुलर कंट्री है, ठीक है। तो क्या सेकुलर कंट्री में सब चीज एक होना चाहिए? भाई सब धर्म को इंडिया तो समान ट्रीट करती है, तो ये भी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो इसके अगेंस्ट बोलते हैं वो ये भी कहते हैं कि सेकुलर के साथ साथ इंडिया में और क्या है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। बहुत बहुत वर्ग के लोग रहते हैं, हर एक लोग का अपना तरीका है, अपना कानून उनका होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो कंट्री है इस दिशा में काम कर रही है। ठीक, बिल्कुल, हाँ, हर एक चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर है यूनिफॉर्म सिविल कोड, पार्ट्स क्लियर हो गया, आर्टिकल क्लियर है आपको। ठीक है, क्रिमिनल सिविल बता दिया आपको मैंने। ठीक है, बेसल नॉर्म्स, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहां पे और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहला लाइन लिखिए, इट इज रिलेटेड टू बैंकिंग रेगुलेशन, बैंक के संचालन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या है बेसल, एक स्विट्जरलैंड की सिटी है। ठीक है, आप देखोगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड ही है। बहुत समझदार लोग हैं लीडर्स वर्ल्ड के, देखते हैं कि जब मीटिंग करनी है तो क्यों नहीं अच्छी जगह की जाए, है ना, अपना वहां से अच्छे से एंजॉय करके आते हैं वो लोग। अच्छा, क्या है ये बेसल नॉर्म्स, बैंकिंग रेगुलेशन। ठीक है, दूसरा चीज आपको याद रखना है कि ये एक इंटरनेशनल रेगुलेशन है, अंतरराष्ट्रीय रेगुलेशन है, इंटरनेशनल रेगुलेशन है। अच्छा देखो अब क्या हुआ, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से आपको पता होगा कि पूरा वर्ल्ड एक चेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड एक चेन से जुड़ा हुआ है। जब पूरा विश्व एक चेन से जुड़ा होता है तो कहीं किसी देश में अगर एक बैंक के साथ समस्या होती है तो उसका इंपैक्ट कहां देखने को मिलता है, दूसरे दूर के देश में देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया में आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट। ठीक है, ये सब टूल्स हैं, वो बैंक को कंट्रोल करती है। उसी तरह इंटरनेशनल रेगुलेशन में बेसल नॉर्म्स है। यहां पे हर एक देश के जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब क्या होता है, जो सबसे प्रमुख बैंक है। हमारे इंडिया में कौन सा है, RBI है। RBI जैसे बहुत सारे बैंकों ने मिलकर बेसल में एक मीटिंग की और वहां पे बोला कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, और उसके बाद ये रूल बना। ठीक है, और इस रूल में कहा गया कि जो आपकी पूंजी है, जो आपका कैपिटल है, उसका कुछ पार्ट आपको साइड रखना है, उसको आपको लोन में नहीं देना है। बैंकों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो अपने कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा लोन दे देते हैं। ठीक है, सपोज कि आप बैंक हो, आपके पास 1000 करोड़ रुपीज है, ठीक है, और आपने सारा लोन दे दिया, और जब ये पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, क्या आपने एम्प्लॉय को आप सैलरी दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, तो क्या होगा इस केस में, ये पैसा क्या हो गया, एनपीए हो गया। ठीक है, एनपीए समझते हैं आप लोग, बताया था मैंने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए हो जाने के बाद क्या होगा, बैंक ठप हो जाएगी। ठीक है, और बैंक को लालच होता है, आप देखोगे छोटे छोटे शहरों में अमूमन ऐसा देखा जाता है, लोग इंटरेस्ट पे पैसा लगाते हैं। ठीक है, वो उनको और लालच होता है कि और पैसा मैं लगाऊं, और पैसा लगाऊं, और बहुत सारे केस में आप देखोगे उनका पैसा डूब भी जाता है। स्थिति उनकी बहुत खराब हो जाती है। वही बैंकों के साथ है, इनके पास जितना पैसा होता है ये चाहते हैं कि लोन दे दिया जाए, ठीक है, और सब पैसों को आप लोन दोगे तो क्या होगा, चांसेस हैं कि आपका बैंक डूब सकता है। इसीलिए नेशनल गाइडलाइंस होते हैं और साथ साथ इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस में क्या है, बेसल नॉर्म्स। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए बेसल नॉर्म्स किस चीज से रिलेटेड है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला बार बेसल आया, लिखिए बेसल 1, 2, 3, बेसल 1, 2, 3, लिखिए फर्स्ट 1988, पहला रेगुलेशन 1988 में आया, दूसरा 2004 में और फिर 2010 में, ठीक है। 2010 में 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, आपको याद होगा, आर्थिक तंगी आई थी, मंदी आ गई थी। उसके बाद 2010 में फिर से एक मीटिंग हुई और वहां पे नए नॉर्म्स बनाए गए, बेसल 3, ठीक है। इंडिया करंटली बेसल 2 को फॉलो कर रहा है, इसके जो रेगुलेशन है इंडिया भी इसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके लिए इंडिया कोशिश कर रहा है, कोशिश इसलिए कर रहा है कि इसको फॉलो करने के लिए, मान लो कि पहले कहा था कि अपने पार्ट का 10% आपके कैपिटल का, आपके पूंजी का 10% आप अपने पास रखोगे। सारे गवर्नमेंट, सारे जो बैंक हैं वो 10% उनके पास है ही नहीं, उनके पास 5% ही है। और मान लो थर्ड में कर दिया कि आप 20% अपने कैपिटल का अपने पास रखोगे, ठीक है। अब ये 20% है नहीं, तो इंडिया ये कोशिश कर रही है कि बैंकिंग जो सिस्टम है उसका पैसा जाए, उसके बाद ही तो फॉलो कर पाओगे ना आप। भाई मेरे पास 100 रुपये, मैंने 90 रुपये दिया हुआ है उधारी, और अब मुझे कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स आके कह रहा है कि तुम एक काम करो 80 रुपये ही उधारी दोगे, 20 रुपये तुम अपने पास रखोगे, तो भाई पैसा मेरे पास आएंगे तभी तो मैं रखूंगा। तो इंडिया ट्राई कर रहा है इसको फॉलो करने के लिए, ठीक है। इंडियन बैंक धीरे धीरे इसको फॉलो करेंगे। आप लिख सकते हैं कि 2004 में जो बेसल 2 है इंडिया इसको फॉलो कर रही है अभी। क्या मैम, स्लो हो गई, 7th रैंक पे आ गया इंडिया, है ना। अभी ग्लोबल रैंकिंग में, इकोनॉमिक में इंडिया 7th रैंक पे आ गई है। आगे पीछे होता रहता है। इंडिया इज ट्राइंग टू मेक अ बिग जंप, बड़ा जंप लगाने की कोशिश कर रहा है। अगर बड़ा जंप लगा लिया तो आप लोगों ने सुना होगा, एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इंडिया 3rd या 2nd नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी कुछ दिन में, ठीक है। समझ गए बेसल नॉर्म, क्लियर है ना। लिखिए ऑपरेशन मिलाप। फटाफट बताइए कि इस ऑपरेशन को चला कौन रहा है, बताइए ऑपरेशन मिलाप को कौन चला रहा है। देखो जब भी एक आप लोगों को तरीका बताता हूं, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए, जो भी टर्म आए उसको ध्यान से समझो। जब आप मिलाप वर्ड को देखोगे, और आजकल जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है हिंदी के शब्दों को बहुत जोर दिया जा रहा है, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिख देते हैं ये लोग, ठीक है। कुछ भी देखिए आप लोग, नीति आयोग इंग्लिश टर्म है लेकिन नीति आयोग लिखा हुआ है। इस टर्म को ध्यान से देखना, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है और आप वहां पे रैंकिंग देखोगे, ठीक है। अब मान लो ऑपरेशन मिलाप है, अगर मैं पहला ऑप्शन देता हूं कि आतंकवादियों को मारने का ये एक ऑपरेशन है, ये सही लग रहा है आपको, मिलाप की बात हो रही है, आतंकवादी मारने कैसे हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा दूंगा कि बैंक में जो कैपिटल की कमी है, बैंकों के पास जो पैसे की कमी है, उस पैसे को फिर से उनको कैपिटलाइज करने का काम हो रहा है, सही लग रहा है, ये भी मिलाप की बात हो रही है। अगर यहाँ पे ऐसा मैं देता हूं कि ट्रैफिक जो वुमेन या चिल्ड्रन है उनको छुड़ाने की बात हो रही है, क्या ये सही लग रहा है। जो ट्रैफिक लोग होते हैं, जो जिनकी तस्करी होती है, ठीक है, जो ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें क्या होता है, लड़कियों को या जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तस्करी होती है, ठीक है, ये सही लग रहा है। तो आपको अगर आंसर नहीं भी पता है तो आप आंसर सही कर सकते हो। एंग्जाइटी में नहीं आना है, माइंड को अप्लाई करना है, ठीक है। लिखिए इट इज एन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, इट इज स्टार्टेड बाय, या आप सीधे ये लिखिए, इट इज स्टार्टेड बाय दिल्ली पुलिस, ठीक है। दिल्ली पुलिस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है दिल्ली पुलिस की, वो इसको चला रही है, लेकिन आप दिल्ली पुलिस लिख सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो दिल्ली पुलिस ही आएगा। ठीक, ब्रॉड बेस्ड प्रोजेक्ट है, वुमेन चिल्ड्रन या जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी किडनैपिंग या ट्रैफिक होती है, उसके लिए ऑपरेशन चला जा रहा है, लेकिन अमूमन चिल्ड्रन के लिए चलाया जा रहा है। पिछले विगत कुछ महीनों में लगभग 300 बच्चों को छुड़ाया गया है। आप देख रहे हो कितने बच्चे को ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल डेयरी प्लान। नेशनल डेयरी प्लान, नेशनल डेयरी प्लान, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। प्लान 1 स्टार्ट हुआ है, अमूमन प्लान फेज में चलता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। प्लान 1 अभी 18 स्टेट्स में स्टार्ट हुआ है। स्टेट्स में मकसद क्या है इसका? इसका मकसद है दूध की उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, दूध के उत्पादन के साथ साथ जो भी रिलेटेड हैं, जो भी दूध प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए भी ये प्लान चलेगी। ठीक है, जो मिल्चिंग एनिमल्स होते हैं, जो ज़्यादा दूध देते हैं, उनका और बढ़ावा हो। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन इसमें भारत की मदद कर रहा है, इसको पैसा फंड कर रहा है। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान देना, कोई भी डेवलपमेंटल काम हो रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पर पैसा आता है तो ध्यान से सुनना आप, कोई भी डेवलपमेंटल काम हो रहा है, किसी चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है, अगर वहां पैसा आता है तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो पैसा वर्ल्ड बैंक से आएगा। और जो पैसा लोन वगैरह में मिलता है वो पैसा आईएमएफ से आता है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान को काफ़ी बेलआउट पैकेज मिला, अभी काफ़ी स्थिति खराब है पाकिस्तान की, हम चांद पे पहुंच गए और वो चंदा के चक्कर में है ना भाई। अगर आपके डेवलपमेंट का बेसिस रिलीजन हो जाएगा ना, आप बोलोगे कि भाई रिलीजन इज द बेसिस ऑफ माय डेवलपमेंट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 95% की आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान का क्या है डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट? धर्म है, रिलीजन के बेसिस पे डेवलपमेंट होती है वहाँ पे, उसी के नाम बना हुआ है। इसलिए आप देखो, आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे, आप देखो जो भी देश धर्म चिल्लाता है उसकी क्या स्थिति है। सीरिया, लीबिया, देखो इन सब कंट्रीज को कितनी स्थिति खराब है। पाकिस्तान भी वही करता है, कभी 6 बिलियन IMF से मिल रहे हैं, कभी चाइना से मिल रहा है, कभी अमेरिका के पास जाता है। ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंट होना है तो आपको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा ये मदद की जा रही है। ठीक है, लिखिए फिर प्लान बी, इसको हो गया ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ, देख के लिखिए, प्लान बी। क्या होता है बी मतलब? मधुमक्खी। वेरी गुड, इंग्लिश भी अच्छी आप लोगों की। क्या है प्लान बी? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा इनोवेशन है, आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। सो इट इज एन एम्पलीफाइंग सिस्टम। क्या होता है एम्पलीफाइंग सिस्टम? एम्पलीफायर समझते हो आप लोग? स्पीकर को एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है। ये एम्पलीफाइंग सिस्टम है, मतलब यहां पे एक चीज समझ में आ गया कि यहां पे लगता है आवाज की कुछ बात हो रही है, ठीक है, साउंड की बात हो रही है। अभी क्या हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट का जो रेलवे का जो डिवीजन है, उन्होंने इस इनोवेशन का इजाद किया है। नॉर्थ ईस्ट में हाथियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा साउंड डेवलप किया है जिसको वो ट्रैक पे लगाएंगे, जैसे कि ये ट्रैक है, ठीक है, और ऐसा पता चलता है कि इस ट्रैक के यहाँ पे इस एरिया में बहुत सारे हाथी हैं और आके वो ट्रेन से लड़ जाते हैं। ये एम्पलीफाइंग सिस्टम को जो प्लान बी बनाया गया है, इसको यहाँ पे वो फिक्स करेंगे। और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी मधुमक्खी की आवाज निकलेगी। मधुमक्खी से हाथी बहुत डरते हैं, उनको बहुत डर लगता है मधुमक्खी से, वो काट लेते हैं, ठीक है, उनको तो वो डरते हैं। तो उनको जब यहाँ पे अगर मान लो कोई एलिफेंट आएगा, उसको अगर यहाँ से आवाज मिलेगी तो क्या होगा? वो भाग जाएगा। कितना बढ़िया इनोवेशन है ये। गजराज, बहुत लोग, बहुत गजराज मर गए हैं इंडिया में, हालांकि आप देखोगे एक दो साल में काफी हाथी मरे हैं हमारे यहाँ। तो इसको सिस्टम को डेवलप किया गया। क्लियर है, समझ गए? हाँ, तो क्या है, तो बज ऑफ हनी बीज। बज मतलब क्या होता है? बहुत सारे मधुमक्खी, जब आवाज, मधुमक्खियों की आपने आवाज देखी होगी, वो बहुत एकदम पतली आवाज बहुत ज्यादा होती है, वो काफी तनाव वाली आवाज होती है, तो वहां पे हाथी वहां से भाग जाएंगे। इस तरह हाथी को सेव किया जा सकता है। लिख सकते हैं टू कीप वाइल्ड एलिफेंट अवे फ्रॉम द ट्रैक। हाथियों को ट्रैक से दूर रखने के लिए इस नवाचार को का आविष्कार किया गया है। बताइए, हम एम्पलीफाइंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं और पाकिस्तान आतंकवादी, समझ रहे हो? कल 6 आतंकवादी को मार गिराया गया है। मतलब कुछ लोग और कुछ देश जब तक सामने पिस्टल नहीं रखो ना, मानते ही नहीं है। सामने पिस्टल रख के उनसे बात करो, समझेंगे फिर। बालाकोट के समय भी वही हुआ था। अभिनंदन हमारे कैद हो गए थे, लौटा नहीं रहा था, ठीक है। क्या किया इंडिया ने? लगा दिया मिसाइल्स पूरे बॉर्डर पे, और अग्नि 5 सब लगवा दिया। पाकिस्तान को पता चला? उनको पता चलता है? हाँ, वो लगाया था, लेकिन उसको पता, हाँ। अब चला गया हमारा अभिनंदन उनके पास। अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन आया, अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन आया, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ की जो टेलीग्राफ, जो टॉप क्लास की न्यूज़पेपर है, वो कह रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन आया। किसको? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। कहा कि भाई, या तो अभिनंदन को लौटा दो, ठीक है, नहीं तो तुम यहां चले आओ। इंडिया का मैं नहीं रोक सकता हूं, बहुत गुस्से में है ना, मोदी जी नहीं सुनते किसी, कुछ भी कर सकते हो। तो कि काम करो, तुम ही यहां चले आओ, बाकी भी 2-4 लोग हैं ही, तुम भी आ जाओ। तो फिर इनको लौटाना पड़ा, क्या कर सकते हैं, कोई विकल्प नहीं था। और इन्होंने क्या कहा? वी आर रिटर्निंग हिम एज अ पीस जेस्चर। पीस जेस्चर, पाकिस्तान इज टॉकिंग अबाउट पीस, पीस जेस्चर। उसके बाद उन्हीं के कैबिनेट के एक मंत्री ने क्या कहा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री ने इतना सराहनीय काम किया, इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कल होके कि मुझे नोबेल प्राइज नहीं चाहिए, मतलब उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर ने दे भी दिया और वो मना भी कर दिया। देख रहे हो? हाँ, तो खुद अपने आप बात कर रहे थे ना। लिखिए उत्कर्ष 2022, उत्कर्ष 2022। हाँ जी, क्या बोल रही है? हाँ एग्जैक्टली क्या आरबीआई, आरबीआई का क्या बेसिकली एग्जैक्टली फॉर रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के अंदर भी कुछ रेगुलेशन की प्रॉब्लम होती है। आरबीआई खुद एक बॉडी है जो रेगुलेट करती है बैंकों को, कमर्शियल बैंकों जो वाणिज्य बैंक है, लेकिन उनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम होती है। तो उनको ठीक करने के लिए ये 3 इयर्स का रोड मैप है कि 3 साल में आरबीआई को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ठीक है, लिख सकते हैं फॉर इंप्रूविंग रेगुलेशन, उसके क्रियान्वयन को सही करने के लिए, आरबीआई के क्रियान्वयन को सही करने के लिए। ठीक है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुसार जो इसकी रेगुलेशन है उसको इम्प्रूव करना है आरबीआई को। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए हमेशा आपकी। अच्छा, मैंने एक क्लास में बताया था आपको गफा टैक्स, याद है? गफा टैक्स, गफा टैक्स। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपने क्लास देखा है तो प्लीज बताइए गफा टैक्स क्या है? क्या है आप लोग बताइए गफा टैक्स? ये इंपॉर्टेंट है कि ये गफा टैक्स किस कंट्री ने लगाया है। आप लोग लिखिए इसको, जाके घर पे देखिएगा गफा टैक्स क्या है, गूगल पे सर्च करके। आपके पास मोबाइल नहीं है, वेरी गुड, आपके पास भी नहीं है और अच्छी बात है। इस समय ऐसा देखना बहुत, मतलब दिल को सुकून पहुंचाने वाली बात है कि ऐसे भी यूथ हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। बिल्कुल आप लोगों को नोबेल मिलना चाहिए, मुखर्जी नगर वाला नोबेल है ना, वो नोबेल नहीं है। पैसे की बात नहीं है, आप खरीद सकते हैं। 10,000 का मोबाइल खरीदना इज नॉट ए बिग थिंग, लेकिन आपने अगर डिसाइड किया मोबाइल नहीं रखना मुझे, स्मार्टफोन, ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कितने यूथ स्मार्टफोन के चक्कर में लगे हुए हैं, किताब पे ध्यान कम, मोबाइल पे ज्यादा होता है। बहुत डेंजर से मैं आपको बता रहा हूं, जो भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं, आप पढ़ाई कर रहे हो, फोन को रखो कम से कम 10 मीटर दूर। आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत खराब हो रहा है दिन पर दिन। हमारे आसपास कोई बताने वाला नहीं है हमें ना, हमारा माइंड वैसे काम ही नहीं कर सकता है कि 2 काम को आप एक साथ कर रहे हो। आप मोबाइल को रखो 10 मीटर दूर, दूसरे कमरे में रखो, नहीं तो अगर एक ही कमरा है तो एक कमरे के कोने में रखो आप मोबाइल ऑफ करके, फिर 3 घंटा पढ़ो, फिर आप देखो मोबाइल। आप देखो कि रात को अगर 4 बजे सोते सोते आपका नींद खुलेगा तो लोग मोबाइल देखते हैं कि मैसेज तो नहीं आया, पता नहीं जैसे कि डोनाल्ड का मैसेज आया हुआ है, वी आर कमिंग फ्रॉम डिनर टुमारो प्लीज कम ओवर, है ना? ऐसा नहीं होता यार, इस सब चीज को आपको समझना चाहिए। आपका एग्जाम में क्लियर नहीं होगा, आपका माइंड खराब हो जाएगा। देखिए वो एग्जाम्पल बच्चे जो है ना, वो एग्जाम्पल जनरली गार्जियन को दिया जाता है कि पिताजी फ़ोन के बिना पढ़ाई नहीं होता है। और आजकल तो वो जो छोटे छोटे फ़ोन है उसमें तो बहुत सारे जो अच्छे ऐप है वो डाउनलोड भी नहीं होते, जैसे भारतीय कॉन्सेप्ट वो एंड्रॉयड में, वो उसमें होता है, iOS में होता है ना। तो वो गार्जियन को मूर्ख बनाते हैं बच्चे, क्या करोगे आप। देखो बहुत अच्छी बात है, मेरा तजुर्बा आप लोगों से ज़्यादा इसलिए समझा रहा हूँ। लाइफ इज़ ऑल अबाउट 99% ऑफ योर लाइफ इज़ ऑल अबाउट इंटरनल ब्यूटी। भाई किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आप किस ब्रांड का जूता पहने हो, मैं बता रहा हूँ आपको, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पार्टी में जाते हो, आप कंफ्यूज होते हो, 4 दिन सोचोगे कि क्या पहन के जाऊं, किसी को वहां फर्क नहीं पड़ता आप क्या पहन के आए थे। ठीक है, लुक एट द गांधी जी, छोटे हाइट के इंसान पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। आज भी तकरीबन 100 देश से ज्यादा के पार्लियामेंट में उनकी मूर्ति लगी हुई है। लुक एट द नेल्सन मंडेला। ठीक है, ट्राई टू, आप कोशिश करो कि आपकी अंतर की जो खूबसूरती है उसको आप निखारो, आप अच्छे इंसान बनो, आप लोगों को रिस्पेक्ट करो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। आप आपसे किसी को दुखी नहीं होना चाहिए, किसी का मन कष्ट तो हो सकता है, कष्ट होता है, कष्ट उसको हो रहा होने दो, कष्ट होता है लोगों को। आप एग्जाम पास करोगे तो कष्ट होगा लोगों को, कष्ट होने दो, दुखी मत करो लोगों को, है ना। तो इंटरनल ब्यूटी पे काम करो। हमारी दिक्कत क्या है, हम इंटरनल ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी पे काम करते हैं जो कि 1% है केवल। राइट, सहमत है आप लोग। लिखिए उत्कर्ष 2022 लिखा आपने, ठीक है, हो गया। फिर लिखिए ग्रीन टैक्स ऑन प्लेन टिकट्स। गफा टैक्स फ्रांस ने लगाया है, फ्रांस ने। हाँ, ये जो भी जैसे फेसबुक जैसे जाइंट कंपनी है ना, इस पे लगाया है इन्होंने टैक्स, जो बड़े बड़े पैसे बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं उन पे लगाया है गफा टैक्स। हाँ जी बिल्कुल। ग्रीन टैक्स, कौन सा ऐसा देश है जिसने ग्रीन टैक्स लगाया है, फटाफट बताइए। कौन सा ऐसा देश है जिसने ग्रीन टैक्स लगाया है? किस पे? प्लेन टिकट्स पे। कौन से टिकट? जो आउटगोइंग है। आउटगोइंग मतलब जो उस देश से बाहर जा रहा है, क्योंकि अगर देश में आने वाले पे लगा दोगे तो क्या होगा, टूरिस्ट आते हैं आपके यहाँ, उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसको भी किसने लगाया बताइए? फ्रांस नहीं लगाया, ठीक है, फ्रांस ने लगाया है और 2020 से इसको इंपोज करेगा फ्रांस। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 2020 से करेगा। ये कंट्री याद रखिएगा आप लोग, फ्रांस। ठीक हो गया, फ्रांस 2020 से करेगा। DRDO इसका टेस्ट कर रही है, नाग मिसाइल्स का, बहुत फ्रीक्वेंटली। अभी हाल ही में 2 टेस्ट हुआ है जिसमें सफल इसका टेस्ट किया गया है पोखरण रेंज में। पोखरण रेंज कहाँ पे है? पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। इट इज नोन फॉर न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो फिर से इसका टेस्ट हुआ है नाग मिसाइल का। नाग मिसाइल क्या है? इट इज एन एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, 3rd जनरेशन एंटी टैंक। क्या होता है एंटी टैंक, बताइए क्या होता है एंटी टैंक? It is 3rd generation anti-tank missile, क्या होता है एंटी टैंक? व्हाट इज एंटी टैंक? जो टैंक को ब्लास्ट कर सके। टैंक अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, टैंक को उड़ाना आसान काम नहीं है, तो फिर ऐसे मिसाइल के डेवलप करना पड़ेगा जो टैंक को खत्म कर सके। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल है। टैंक बहुत घातक होते हैं दूसरे देश के लिए, बॉर्डर पे लगाते हैं और वेपन को छोड़ के फिर परेशान करते हैं हमें, इसलिए नाग मिसाइल का डेवलप हुआ है और ये अभी तक इंडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी, और बहुत जल्दी आर्मी में इंडक्ट होने वाला है। ठीक है मिसाइल। अच्छा लिखिए इंटीग्रेटेड मिसाइल गाइडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेम लाइन में है, इसी के अंदर है टॉपिक। बुलेट पॉइंट देके लिखिए। ये जो प्लान है 90s 80s में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। क्या मकसद था? ये जब इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया तो इसका मकसद था कि बहुत इस तरह के बहुत सारे मिसाइल डेवलप करने हैं, ठीक है। 90s 80s की बात थी। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो मिसाइल डेवलप हुए उसका नाम लिखिए, अग्नि। अग्नि मिसाइल, यू नो अग्नि, पता है, सुना है नाम आपने। पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और आकाश और नाग। एक ये जो नाग अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 5 मिसाइल को डेवलपमेंट की बात की गई थी। अच्छा, नाग अभी लास्ट फेज में डेवलपमेंट टेस्ट चल रहा है इसका। मैंने बोला कि इसको इंडक्ट किया जाएगा, आर्मी में अभी नहीं हुआ है। त्रिशूल अभी इंडक्ट नहीं हुआ है और ये तीनों इंडक्ट हो चुके हैं, मतलब ये फोर्स में आ चुके हैं, इनका यूज हो रहा है, मतलब इनका यूज क्या है, तैयार है। ये तीनों इंडक्टेड इनटू द फोर्स। ये एक बुक है जिसका विमोचन हुआ है हाल ही में। लिखिए, इसका विमोचन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। It was launched by Agriculture Minister Narendra Singh Tomar. Okay. अच्छा, क्या सेलिब्रेट किया गया है? बेसिकली हंगर को खत्म करने के लिए हमारे देश को एक इंटरनेशनल बॉडी है जो हेल्प करती है, ठीक है। वो है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। पिछले 50-60 सालों से ये बॉडी हमारी मदद कर रही है, लगभग 50 सालों से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इस बॉडी की एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1961 में हुई थी। अब आप मुझे ये बताइए, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है और ये एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसको इंटरनेशनली किसने एस्टेब्लिश किया होगा? मैंने लास्ट क्लास में भी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया था, इसका हेडक्वार्टर आपको बताया था। बताइए, इस बॉडी को कौन बनाया होगा? नहीं, फूड से रिलेटेड है, सोचिए फूड से इंटरनेशनल बॉडी कौन सी है? फूड से इंटरनेशनल बॉडी कौन सी है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट टाइम मैंने बताया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप नहीं थे। लिखिए बाई FAO, बाई FAO, ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। भुखमरी को खत्म करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? रोम, रोम, रोम FAO का हेडक्वार्टर। ठीक है, अच्छा वाटर कंजर्वेशन में एक स्टेट का बहुत नाम आ रहा है अभी, मेघालय का। क्या किया मेघालय ने, क्यों नाम आ रहा है? मैम दैट इज द पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। मेन मुद्दा यह है कि मेघालय हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू वर्क टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन। पानी के संरक्षण में मेघालय पहला स्टेट बना है इंडिया का, ये इम्पोर्टेंट है। और वो जो आप कह रही हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मेघालय कर रहा है, ठीक है। इन्होंने प्लान बनाया है कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, जैसे कि घर बन रहा है तो घर आप देखोगे वाटर कंजर्वेशन के हिसाब से नहीं बनता है, उसने मैंडेटरी किया हुआ है कि घर जब बनेगा तो एक जगह छत का पानी जाके एक गड्ढे में जाएगा, ये सब प्लान कर रहा है। ओवरऑल जो आप स्टेप बोल रही हो वैसे बहुत सारे स्टेप आगे लिए जाएंगे, लेकिन जो आप ये इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि मेघालय पहला स्टेट बना है, ठीक है। मेघालय इज फर्स्ट स्टेट टू वर्क टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन। पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट याद कीजिए, बहुत पॉपुलर है ये तो, सिक्किम है। वेरी गुड, सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। याद रखना ये सब चीजों को। बेसिकली क्यों ऐसा किया है, पॉलिसी जो होनी चाहिए वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। हमें पानी का इतना इस्तेमाल नहीं करना है कि आगे के जनरेशन के लिए पानी बचे नहीं। सस्टेनेबल वर्ड का अर्थ यही होता है कि आप उतना ही इस्तेमाल करें कि आपके आने वाले जब आपके बच्चे हो उनको वो चीज़ भी इस्तेमाल करने को मिले। लेकिन आप देखोगे ज़्यादातर लोग को मतलब ही नहीं होता है, है ना? अगर हमारे जो पूर्वज हैं वो अच्छा नहीं किए होते तो आज हम भी उनको बोल रहे होते कुछ ना कुछ, ठीक। लेकिन दे हैव वर्क फाइन, उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। हमारी जनरेशन सब गड़बड़ कर रही है, पॉल्यूशन, फैक्ट्री, प्लास्टिक का यूज, ठीक है। अच्छा फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो लिख लीजिए। लिखिए कुटनो, कुटनो एथलेटिक मीट, सुना है नाम कुटनो एथलेटिक मीट्स का? एकदम बुलेट पॉइंट देके लिखिए आप लोग। देखिए फर्स्ट बुलेट पॉइंट में पोलैंड, ये पोलैंड में हुआ है। फर्स्ट बुलेट पॉइंट में लिखिए पोलैंड, सेकंड में लिखिए हिमा दास वन गोल्ड, हिमा दास यहां पे गोल्ड जीती हैं। सेकंड में लिखिए हिमा दास यहां पे गोल्ड जीती हैं, क्लिंच गोल्ड। थर्ड लाइन लिखिए ये उनका दूसरा गोल्ड था, इट वाज हर सेकंड गोल्ड, इट वाज हर सेकंड गोल्ड, पोलैंड में हुआ ये, ठीक है, इट वाज हर सेकंड गोल्ड। पहला गोल्ड कहां जीता इन्होंने, फिर ये भी सवाल है, लिखिए पोजनान एथलेटिक, हर फर्स्ट गोल्ड वाज इन पोजनान एथलेटिक, ये भी पोलैंड में, ठीक है। कितनी गोल्ड जीती है हिमा दास अभी? 5, 4, 5, 6, बताइए भाई, ये तो कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई। आप मुझे बताइए हिमा दास कितने गोल्ड जीती हैं, 4, 5 और 6? इतनी कंफ्यूजन आप जाके चेक कीजिएगा, जो भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं हिमा दास को अभी तक कितने गोल्ड मिली है। आप लोग घर पे जाके चेक करेंगे कितनी गोल्ड मिली है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, 4, 5, 6, 7 ऐसे आ सकता है, ठीक है। आंसर आप जाके चेक कीजिएगा, होमवर्क भी कुछ किया करो, ठीक है। ये पहला गोल्ड इन्होंने जीता था पोजनान एथलेटिक्स में, ये भी पोलैंड में हुआ है, ठीक है। एंड शी इज अ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन 400 मीटर्स, 400 मीटर्स में हिमा दास नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। सिक्स है, ठीक है, लिख लिया। लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए वर्ल्ड यूनिवर्सियाड। यहां पे एक स्प्रिंटर है इंडिया की, धावक है, क्या नाम है? दुति चंद, सुना नाम दुति चंद का? यहां पे सी हैज वन गोल्ड मेडल एंड सी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द गोल्ड मेडल। पहली भारतीय महिला है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता यहां पे। मैंने बोला पहली भारतीय महिला, ठीक है। एक भारतीय मेल भी है, पुरुष भी है, जो यहाँ पे गोल्ड जीत चुके हैं। 2015 में जीता था। इंद्रजीत सिंह का नाम सुना आप लोगों ने? शॉटपुट के खिलाड़ी हैं इंद्रजीत सिंह, इन्होंने 2015 में गोल्ड जीता था। लेकिन दुति चंद पहली भारतीय महिला है, ये नाम याद रखना है, एग्जाम में आएगा। हिमा दास के साथ कन्फ्यूज किया जाएगा, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंद्रजीत सिंह शॉटपुट में जीता था 2015 में, हो गया। लिखिए ऑपरेशन थर्स्ट, ऑपरेशन थर्स्ट। लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ क्यों लॉन्च किया गया है? आपने देखा होगा कि इंडियन रेलवे की जो कैटरिंग सिस्टम है उसमें पानी की बहुत डुप्लीकेसी हो गई है। बिस्लेरी को पता नहीं क्या क्या नाम देके ला दिए हैं, ग्रीन कलर का कवर ला के, है ना। उसी को खत्म करने के लिए आरपीएफ ने यह ऑपरेशन चलाया है, ठीक है। अनऑथराइज जो पानी है उनको खत्म करने के लिए, जो डुप्लीकेट पानी है, जो नकली पानी है, उसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन थर्स्ट। launched by RPF. When do we celebrate World Population Day? पॉपुलेशन जनसंख्या इन्वायरमेंट से कोई भी डे है वो सब आप लोग याद करेंगे क्योंकि अब ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जा रहा है. इन्वायरमेंट से रिलेटेड ओजोन, अर्थ, क्लाइमेट, योगा जितने हैं सब याद करके जाएंगे आप लोग. ठीक है. कब किया जाता है सेलिब्रेट? 11 जुलाई. अब जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो बताएं मुझे कि इसका थीम इस बार का क्या था, विषय क्या था इस बार का. आप लोग भी जाके घर पे चेक कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा क्लास में. ठीक है, होमवर्क कीजिए, थीम लिखिए और सामने डैश दीजिए, घर पे जाके चेक कीजिएगा. यूरेनियम की आवश्यकता है हमें. यूरेनियम सब लोग समझता है क्या होता है, क्यों यूरेनियम की आवश्यकता है भारत को? सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बताइए, बताइए. कुछ बोल रहे हैं आप? विस्फोट नहीं करना यार, कहां विस्फोट करोगे, कहां विस्फोट करोगे तुम? भारत कहां विस्फोट करता है? भारत तो बहुत पीसफुल कंट्री है यार. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसका यूज करना है वो एनर्जी के लिए. ठीक है, ऊर्जा के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. ठीक है, जो रिएक्टर्स बनाए जाते हैं ऊर्जा के लिए वहां यूज करेंगे. इसलिए हम यूरेनियम बहुत देर से खरीदते भी हैं. हमारे पास यूरेनियम के जो सोर्सेज हैं वो बहुत कम है. इसके लिए जो एटॉमिक एजेंसी है इंडिया की, वो इंडिया में ढूंढ रही है कि यूरेनियम कहाँ है. कहीं ना कहीं मिलेगा, एक जगह मिला है और वहां पर इसको अनुमति मिली है कि वहां पर आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हो. क्योंकि बहुत डेंजरस मटेरियल है तो बहुत सिक्योरिटी के साथ इसका एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है. कोयला तो है नहीं कि आप रैट माइंस में चले गए निकाल के ला रहे हो, इसका बहुत सिक्योरिटी के साथ किया जाता है. इसलिए इसकी अनुमति बहुत मुश्किल से मिलती है. ठीक है, आगे से आप नहीं बोलेंगे विस्फोट करना है, आगे से आप बोलेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सबसे ज्यादा यूरेनियम का इस्तेमाल करता है. हमारा मकसद ही नहीं विस्फोट करना. हम विस्फोट तब करेंगे जब आप करेंगे, और उसके बाद जब करेंगे तो फिर हमें आप रोकेंगे नहीं. ठीक है, इसलिए इंडिया की आप देखेंगे पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज. इंडिया कहती है हम वेपन का पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुमने किया तो फिर हम छोड़ेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे. और इंडिया सभी नहीं सुनेगा, है ना. उधर से ही होता है ना, हम कहां करते हैं, हम कुछ करते हैं और पूरा वर्ल्ड भी देख रहा है कि हम कुछ नहीं करते हैं. अगर हम कुछ करते तो हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप ही नहीं होती. ठीक है, लिखिए अमराबाद टाइगर रिजर्व. अमराबाद टाइगर रिजर्व ये टाइगर रिजर्व समझते हो आप लोग, सब कुछ समझता है. इस टाइगर रिजर्व में ही यूरेनियम एक्सप्लोरेशन की बात हुई, यहां पे यूरेनियम मिला है. अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जामिनर को दिमाग में चलता है कि भाई यहां पे बात हुई, वो आपसे पूछ लेगा कि अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां है. आपको लगता है कि भाई देश में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं आपको याद करना है, वो सब याद नहीं करना है. एग्जामिनर हमेशा, मेरा तजुर्बा है, मैंने देखा है, हमेशा वो क्वेश्चन पूछता है जो न्यूज में रहा है. बहुत बड़ी बात है, यूरेनियम की एक्सप्लोरेशन यहाँ हो रही है, बहुत चांसेस है कि इसके एग्जाम में पूछे जाएंगे. ठीक है, लिखिए कहाँ पे है ये? तेलंगाना में. तेलंगाना में, वेरी गुड. और कुछ पार्ट, एक और टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व. ये कहाँ है? नागार्जुन सागर डैम का नाम सुना है, कहाँ है ये टाइगर रिजर्व? लिखिए नागार्जुन सागर. ये भी इंपॉर्टेंट है. कुछ पार्ट यहाँ के भी एरिया हैं जहाँ पे ये एक्सप्लोरेशन होगा. कहाँ है नागार्जुन टाइगर रिजर्व? नो नो, उत्तराखंड को लॉक कर दिया जाए. यू शुड अप्लाई योर माइंड। एक टाइगर रिजर्व की बात हुई है, मैंने कहा कि तेलंगाना में ये होगा और फिर मैंने कहा कि कुछ पार्ट इसका भी है। आपको तुरंत दिमाग लगाना चाहिए कि कुछ पार्ट की जब बात हो रही है तो तेलंगाना के आसपास ही होगा, तो इट इज इन आंध्र प्रदेश। एग्जाम में दिमाग का इस्तेमाल करके आप लोग कम से कम 5-10 क्वेश्चन सही कर सकते हो। क्या बोल रहे हो? हाँ, भावनाओं को समझो, स्पेलिंग में मत जाओ। आंध्रा लिखो, आंध्रा लिखो। इंग्लिश में आंध्रा ही लिखते हैं, ऐसे आंध्रा नहीं लिखते। इंग्लिश में आप देखोगे आंध्रा ही लिखते हैं, लेकिन आपके खुशी के लिए मैंने लिख दिया, आप खुश रहो। आप देखना स्पेलिंग इंग्लिश में आंध्रा ही लिखते हैं, ठीक है? समझ गए? दिस टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है। नेक्स्ट लिखिए स्पाइक मिसाइल। स्पाइक मिसाइल, स्पाइक मिसाइल। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि कहां से खरीदा जा रहा है, लिख लीजिए। इंडियन आर्मी इजराइल से इसको खरीद रही है। इंडियन आर्मी हैज प्लेस्ड ऑर्डर फ्रॉम इजराइल। फ्रॉम इजराइल, ओके। इजराइल एक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है, बताइए कौन सा क्षेत्र है? क्या बोल रहा? डिफेंस में है आगे, डिफेंस में तो अब ठीक है। आपने मिसाइल, जब इंडिया जब मिसाइल खरीदा तो डिफेंस में अच्छा होगा ही। एक और क्षेत्र में इजराइल बहुत अच्छा काम करता है और हाल ही में इसको लेके गुजरात में कुछ किया भी गया है। वाटर प्यूरिफिकेशन के क्षेत्र में इजराइल में पानी की दिक्कत है, तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो सॉल्टी वाटर होते हैं उसको वो पीने लायक बनाते हैं, और इसके लिए गुजरात में भी एक मशीन वैसी लग रही है, ठीक है? तो आपको याद रखना है, अगर कंट्री का नाम दिया जाए कि वाटर को प्यूरिफाई करने में कौन, इसमें से कौन देश सबसे आगे, इजराइल है, ठीक है? बहुत सॉल्टी वाटर है वहां पे। अच्छा, अभी एक हाल में एक इंडेक्स जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगा ऑफिस का स्पेस कहाँ है। सुना आप लोगों का नाम? मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस स्पेस। ऑफिस अगर आपको कहीं लेना है किराए पे तो सबसे महंगा कहाँ पे? कैलिफोर्निया कहाँ पे है? नो, यूएसए में है, लेकिन यूएसए इज नॉट दैट प्लेस। दैट प्लेस इज द नंबर वन गोज टू हांगकांग। हांगकांग मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस स्पेस। हांगकांग कहाँ है? कहाँ है हांगकांग? इट इज एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। ऑटोनोमस रीजन मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस रीजन? मतलब इसको कुछ छूट मिली हुई है कि तुम अपने एरिया को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? बहुत दिनों तक ब्रिटिश के कंट्रोल में था ये रीजन, लेकिन अब इसको आजाद कर दिया गया है और ये अपना खुद ही अपने एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखता है। फिर भी लेकिन चाइना के कंट्रोल में ही आप देखोगे तो, लेकिन चाइना इस एरिया को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो यहाँ पे जो ऑफिस का स्पेस है वो सबसे महंगा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि रैंक 9 जो है, बताइए किसकी है? हाँ, इंडिया में कहाँ पे? कनॉट प्लेस, 9th प्लेस इन द वर्ल्ड। यस, सीपी। अगर कनॉट प्लेस पे आपको दुकान लेना है तो आप जान जाओगे विश्व का 9th सबसे महंगा जगह है यहाँ पे, तो दुकान नहीं ले पाओगे। इससे निकाल लो तुम लोग, ज्यादा आसान है। हाँ, लिखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड। अब आप लोग बताइए इंडियन फुटबॉलर किसको मिलने का चांस है, इसको नाम बताइए। इंडियन फुटबॉलर का अगर नाम लेता हूं तो किसका नाम याद आता है आपको? हाँ? किसी का याद नाम याद नहीं आता है? एग्जैक्टली, वेरी गुड, सुनील छेत्री। लिखिए सुनील छेत्री, सुनील छेत्री लिखिए और आगे लिखिए अवार्ड इन मेल फुटबॉलर कैटेगरी। मेल कैटेगरी मिला इनको। फिर लिखिए आशा लता देवी फीमेल कैटेगरी में। ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन मैं इन अवार्ड को इसलिए आपको लिखाता हूं कि एग्जामिनर विल डेफिनेटली थिंक कि आप फुटबॉल पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपसे पूछेगा कि बताइए हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा अवार्ड दिया गया है, किस महिला फुटबॉलर को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, दिस नाम शुड बी रिमेंबर्ड, आशा लता देवी, और ज़्यादा चांसेस है कि फीमेल कैटेगरी ही आपको पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए हायाबूसा मिशन। हायाबूसा क्या होता है? हायाबूसा, हायाबूसा एक बाइक है, राइट? एक मिशन भी है हायाबूसा। कहाँ की बाइक है हायाबूसा? जब जापान की बाइक है, आप जानते हो मैंने आपको बोला कि एग्जाम में आपको माइंड अप्लाई करना है। आपको एग्जाम में आया कि हायाबूसा मिशन किस कंट्री द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, यूएसए, जापान, रसिया, इजराइल। आपको आंसर नहीं पता है, आप जानते हो कि हायाबूसा एक बाइक है और जापान की बाइक है। जब आंसर नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और यहाँ पे जापान टिक करना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई योर माइंड, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सब कुछ पता हो। जापान की स्पेस एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, जाक्सा कहते हैं उसको, जापान की स्पेस एजेंसी को जाक्सा कहते हैं। ये हायाबूसा मिशन जापान की है। तो ये मिशन जो है, एक तो क्वेश्चन ये बन गया जिसको आप बता सकते हो कि जापान की है। एक एस्ट्रॉयड है, ठीक है, एक एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड क्या होता है? व्हाट इज एस्ट्रॉयड? क्या होता है एस्ट्रॉयड? बताइए क्या होता है एस्ट्रॉयड? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्कूल में ही पढ़ा होगा यार, ये तो क्लास 8-9 में ही पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ? हिंदी क्या होगा? स्मॉल, देखो स्मॉल बॉडी कंपेयर, हाँ सेलेस्टियल बॉडी है, जो आकाश में बहुत सारे बॉडी है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींच नहीं पाती है, तो एयर में है वो। ठीक है, एक तो हमारी सोलर सिस्टम है, जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत बड़े हैं साइज में, एस्ट्रॉयड जो है उनसे छोटे हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं या आप लोग घर पे जाकर देखेंगे कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किस दो प्लैनेट के बीच में, सुना है नाम एस्ट्रॉयड बेल्ट का? जाके घर पे आज चेक करेंगे कि एस्ट्रॉयड बेल्ट दो प्लैनेट के किस बीच में है। ठीक है, दो प्लैनेट के बीच में है ये बेल्ट। तो एक एस्ट्रॉयड है, तो प्लैनेट से बॉडी छोटा होता है, लेकिन वो बहुत छोटा नहीं होता है जैसे कि हम समझते हैं कि बहुत छोटा हो, बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ी बॉडी होते हैं। ठीक है, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि प्लैनेट इनको कहा जाए या प्लैनेट बनाया जाए। अब इस एस्ट्रॉयड पे ये हायाबूसा मिशन भेजा गया है। ठीक है, एस्ट्रॉयड का नाम लिखिए, रायगु, RYUGU। ठीक है, ये एस्ट्रॉयड है, इसका नाम है। इस पे ये मिशन को भेजा है जापान ने, और यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे इस मिशन, मान लो ये रायगु एस्ट्रॉयड है, यहाँ पे लैंड किया है और फिर ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट करने के बाद कुछ मीटर अंदर गड्ढा कर दिया है। ठीक है, जब ब्लास्ट किया है तो यहाँ से धूल उड़े हैं बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसको ये कैप्चर कर लिया है इस धूल को। ठीक, उसके बाद जब ये लौटेगा जापान में तो इस धूल को फिर साइंटिस्ट क्या करेंगे, निकालेंगे और उसको फिर जांच करेंगे कि इसमें क्या है। इससे क्या पता चलेगा? इसमें पता चलेगा कि जो सोलर सिस्टम का उद्भव हुआ, जब सोलर सिस्टम बना तो क्या कारण थे, वो कैसे बना, पता चल सकता है किसी बॉडी की मिट्टी से या कुछ इसके तत्व से कि कैसे बनाएं, ठीक है। तो यही है, कब लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले निर्माण हुआ था सोलर सिस्टम का, ठीक है। तो ये पता करेंगे कि उस समय जब निर्माण हुआ तो कैसे हुआ और उस समय क्या स्थिति थी, ठीक है। इसलिए मिशन चलाया जा रहा है और ये एस्ट्रॉयड पे भेजा गया है। बहुत सारे मिशन प्लैनेट्स के लिए भी चलता है, मून, सैटर्न, जुपिटर, सबके लिए। तो ये एस्ट्रॉयड पे भी ये मिशन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि जब एस्ट्रॉयड बने होंगे तो उसी बॉडी से निकल के बने होंगे, कुछ वैसे बॉडी होगी। तो केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं कि क्या है इसका, ठीक है। लिखे दो चार और इंपॉर्टेंट है टॉपिक। लिखिए कराची पूजा फेस्टिवल, कराची पूजा फेस्टिवल। आगे लिखे त्रिपुरा, त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य ने सेव वाटर डे मनाया है? हाल ही में किस राज्य ने सेव वाटर डे मनाया है? नो, लिखिए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। नाम सुना इनका, अंशुलता कांत का, कौन है ये? क्या वर्ल्ड बैंक की? तो कंफ्यूज हो गया ना, इसलिए कहता हूं ध्यान से पढ़ो। ये थी कौन? ये एमडी थी एसबीआई की, ठीक है, ये एसबीआई की एमडी थी। इनको क्या बनाया गया है? इनको बनाया गया है एमडी। एमडी क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड CFO क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला बनी है वर्ल्ड बैंक। आपके साथ एग्जाम में भी यही होगा, आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो आप कंफ्यूज होगे वर्ल्ड बैंक या IMF। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। जो मैं नोट्स लिखाता हूं जाके इसका शाम को तुरंत रिवीजन करो, फिर कम से कम क्लास के आते समय रिवीजन करो सुबह में बैठ के, ठीक है, या एक दिन पहले। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है अभी? डेविड मालपास, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है। लिखिए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास। अभी हाल ही में एक सार्क फिल्म फेस्टिवल हुआ है, सार्क फिल्म फेस्टिवल हुआ है। कहां पे हुआ है? श्रीलंका में, ठीक है। और एक बेस्ट मूवी है, जो बंगाली मूवी है, उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, नागार कीर्तन। नागार कीर्तन। ओके, नगार कीर्तन। कुछ फैक्ट्स हैं जो क्लास में नहीं हो पाएंगे, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप दो लोगों के पास मोबाइल नहीं है, है ना, तो मैं आपको दे दूंगा, फोटो लेना, क्योंकि हर एक चीज क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, मेरा पर्पस ये है कि आपका कोई फैक्ट छूटा नहीं, ठीक है। आप लोगों में से कोई सीपीओ देने का सोच रहा है दिसंबर में जो होने वाला है? सीपीओ एग्जाम जानते हो आप लोग, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम। अगर वुमेन भी दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहती है तो बेस्ट एग्जाम है ये। एग्जाम भी आसान है, बहुत टफ नहीं है। अगर आप रोज 6 से 8 घंटा ही पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन 6 से 8 घंटा पढ़ना आसान नहीं है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप घर पे जाना और सोचना कि पिछले एक हफ्ता में कितने बार आपने कितने दिन 6 घंटे पढ़ाई की है, अपने आप से पूछना आप, तब वो पता चल जाएगा कि 6 घंटे पढ़ाई करना आसान है या टफ। आप 6 घंटे भी रोज पढ़ोगे, दिसंबर या जनवरी में एग्जाम होगा। मैं जो करंट अफेयर्स कराता हूँ मैं उस एग्जाम के हिसाब से भी कराता हूँ, ठीक है। पिछले बार बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आप इसको अगर टारगेट कर रहे हो तो करंट अफेयर्स मेरी जो क्लासेस वो करो और रिविजन किया करो, ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज रिवाइज इट, ठीक है। रिविजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। छोटे छोटे कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या बोल रही है? सॉरी, हाँ मैं आपको वो नोट्स दे दूंगा क्लास में, आप फोटो ले लेना जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ठीक। थैंक यू सो मच। CAPF क्या बोल रहे हैं? CAPF आप असिस्टेंट कमांडेंट की बात कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम, रिसेंटली एग्जाम आया, रिजल्ट आया अभी, बहुत आसान एग्जाम है CAPF का भी, ठीक है। और वो एग्जाम है यार, प्रीलिम्स होता है, उसमें एस्से लिखना पड़ता है, थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। हाँ इंग्लिश पेपर होती है, इंग्लिश लैंग्वेज आप कैसी भी लैंग्वेज में दो, लेकिन वो एग्जाम भी बहुत आसान है। ऑफिसर बनने का CAPF से आसान तरीका नहीं है, इससे होता है। इंग्लिश होता है, GS का भी एक पेपर होता है, जैसे CDS इंडिया का पेपर होता है ना, वैसे पेपर एक GS का भी होता है, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम है। इंग्लिश नहीं हिंदी भी होता है GS पेपर, लेकिन इससे आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है उसमें, ठीक है। इंग्लिश स्किल चेक करते हैं आपको, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, CISF, CRPF ये सब, तो वहाँ पर ये सब चीज़ चेक की जाती है, ठीक। अच्छा एग्जाम है, आप ट्राई कर सकते हो। थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन जो लोग लेट आए हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मैंने शुरू में एक एग्जाम्पल दिया है कि आप, यू आर द एवरेज ऑफ 4 पर्सन अराउंड यू, 4 लोग आपके आसपास जो हैं उनके आप एवरेज होते हो, तो आप उस 4 लोग को बहुत ध्यान से चुनेंगे। वो 4 लोग आपको डुबा सकते हैं, वो 4 लोग आपको, देखो कबीर सिंह मूवी देखा आप लोगों ने? कबीर सिंह देखा है, अच्छी मूवी है। 2 पार्ट है कबीर सिंह का, 1 इज गुड पार्ट एंड 1 इज बैड पार्ट। गुड पार्ट ये है कि ही इज अ वेरी गुड सर्जन एंड द बैड पार्ट इज दैट ही कंटिन्यूसली ही ड्रिंक्स, मदिरा का सेवन करते हैं वो। तो अगर आपके अच्छे दोस्त हैं 4 दोस्त, तो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं वो, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और आप देखोगे, आप देखना कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिसको आप जानते होंगे, उसके आसपास जो लोग होंगे सब इंटेलिजेंट होंगे, उसमें कोई भी एवरेज स्टूडेंट नहीं होता है। तो अगर आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है तो इट्स बेटर टू कीप योर सेल्फ लॉक इन साइड द रूम। आप अपना जीवन 4 दोस्त अपना बनाओ, अपने फैमिली से बात करो, लेकिन गलत दोस्तों की संगत में नहीं आना है, ठीक है। ठीक है, प्लीज टेक केयर एंड रिवाइज द नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में